कौन से ब्रेसेस एडल्ट पेशेंट्स हमारे वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पूजा एंड आई एम योर ऑर्थोडोंटिस्ट। आई वेलकम यू अगेन बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमारे पास पेशेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं और हमारे चैनल पर भी पेशेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं एडल्ट ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि एडल्ट ब्रेसेस ट्रीटमेंट के ट्रेंड बहुत पहले के कंपैरिजन में बहुत इंक्रीज हुए हैं और हमारे एडल्ट पेशेंट्स भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अपनी ओवरऑल ओरल हेल्थ को इन्हांस करने के लिए, एक हेल्दी स्माइल पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि करंट ट्रेंड एडल्ट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का है, तो चलिए आज इसी से रिलेटेड हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे और इस बारे में आपको बताएंगे कि कौन से ब्रेसेस एडल्ट पेशेंट्स हमारे वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हमारे साथ बने रहिए और हम आज ये अपने वीडियो से आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ ब्रेसेस आर बेस्ट फॉर वर्किंग पीपल। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एडल्ट हैं और आप वर्किंग हैं, यानी कि आपका लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा रहता है और आप अपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं अपनी एक हेल्दी स्माइल के लिए, तो हमारे पास ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए जो है सिरेमिक या क्लियर ब्रेसेस का। तो फ्रेंड्स, ये सिरेमिक और क्लियर ब्रेसेस का जो कलर है वो आपके दांत के कलर से मैच करता हुआ होता है, तो ये ऑलमोस्ट इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं। आपके दांत के कलर से इनका कलर मैच हो जाता है। ऑल्दो जो वायर हम यूज़ करते हैं वो सिल्वर कलर की भी हो सकती है और वो सिरेमिक कोटेड वायर्स भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, दीज आर ऑलमोस्ट मिनिमली विजिबल ब्रेसेस, मैं ये कहना चाहूँगी। इसमें फिर हमारे पास फर्दर अगर आप जाएं तो दो तरह के हैं सिरेमिक में। एक हैं जो बैंड्स या मॉड्यूल्स के साथ यूज़ करते हैं और दूसरा जो होते हैं विदाउट बैंड्स और मॉड्यूल्स, इनको हम सेल्फ लाइगेटिंग सिरेमिक ब्रेसेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम मॉड्यूल्स के साथ वाले ब्रेसेस इंस्टॉल करवाते हैं तो इसमें आपका मॉड्यूल एवरी 3 to 4 weeks पे चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वो समय के साथ साथ थोड़ा डल या थोड़ा येलोइश हो सकता है और आपको ये लगता है कि आपके ब्रेसेस जो हैं वो खराब लग रहे हैं देखने में, उनके ऊपर कुछ स्टेन्स आ गए हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, हम हर विजिट पे आपके इन मॉड्यूल्स को चेंज कर देते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर कलरफुल मॉड्यूल्स। अगर आप मॉड्यूल्स वाले ब्रेसेस नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए आजकल लेटेस्ट सिरेमिक में सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस भी अच्छा ऑप्शन है। ये बिल्कुल क्लियर होते हैं, ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं आपके टूथ सरफेस पे। इसमें बैंड या मॉड्यूल नहीं लगाया जाता है, इसलिए ये कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके ब्रेसेस में किसी तरह की कोई स्टेनिंग आ रही है या फिर वो डल हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इनका एडिड एडवांटेज ये भी है कि इनमें क्योंकि एडिशनल मॉड्यूल नहीं होता है तो इनकी वर्किंग जो है वो पहले जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस है उनसे बेटर होती है। इनमें मॉड्यूल नहीं होता है तो आप इन्हें आराम से अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का कुछ भी आपको वायर इम्पिंजमेंट इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत ही कम आती हैं। तो ऑल ओवर सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस आर वेरी कम्फर्टेबल If you are going for these. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेकेंड ऑप्शन पे जो हमारे अडल्ट और वर्किंग पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन इज लिंगुअल ब्रेसेस। तो फ्रेंड्स, लिंगुअल ब्रेसेस दांत के अंदर के सरफेस पर बॉन्ड करा जाता है। इसमें सारे ब्रैकेट्स, वायर्स और जितने भी एक्सेसरीज होते हैं वो दांत के अंदर के सरफेस पर ही लगाए जाते हैं, तो इससे ये ब्रेस बाहर की तरफ से बिल्कुल इनविजिबल होता है और इन्हें इनविजिबल ब्रेसेस भी आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स, लिंगुअल ब्रेसेस में अगर आपको अपॉइंटमेंट टाइम्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि इनको इंस्टॉल करने में और इनके अपॉइंटमेंट्स काफ़ी लॉन्ग रह सकते हैं। तो अगर आपको नेक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर और कुछ, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लिंगुअल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेने में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं जिसमें बोलना ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि आप टीचिंग की प्रोफेशन में हैं या आप कोई सिंगर हैं, तो आपको लिंगुअल ब्रेसेस से थोड़ी सी टंग में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको बार बार टंग पे अल्सर्स या टंग के लैसरेशंस होना, और कई बार पेशेंट्स को लिंगुअल ब्रेसेस को क्लीन रखने में दिक्कत आती है। तो ये कुछ
पॉइंट्स हैं लिंगुअल बेसिस के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे जो कि है क्लियर अलाइनर्स। आइए फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं जो है कि क्लियर अलाइनर्स। क्लियर अलाइनर्स ट्रांसपेरेंट ट्रेज हैं जो अपने दांतों पर पहन सकते हैं और आराम से इनको रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर अलाइनर्स का एडवांटेज है कि सबसे पहले तो ये बिल्कुल इनविजिबल मटेरियल से बने होते हैं जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं कि आप किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा आप इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं अपनी एवरी मील यानी खाना खाने के लिए और अपना जो चाहे वो उस तरह का खाना आप खा सकते हैं, जबकि ब्रेसेस में आपको कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसके अलावा आप दांत क्लीन करने के टाइम पे भी इनको रिमूव कर सकते हैं और टीथ को अच्छे से क्लीन कर दोबारा पहन सकते हैं। इनका डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार ट्रीटमेंट टाइम थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और आपको अपने ऑर्थोडॉन्टिस्ट को कभी कभी मल्टीपल विजिट्स भी देनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स ये सारे ऑप्शंस थे हमारे पास हमारे एडल्ट पेशेंट्स के लिए, हमारे वर्किंग पेशेंट्स के लिए जो अपने ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी स्माइल को बेटर बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर आपने डिसाइड कर लिया है यू वॉन्ट टू गो फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली आप आइए और अपनी स्माइल को एम्ब्रेस करिए ब्रेसेस के साथ और एक अच्छी हेल्दी मुस्कान को अचीव करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हमारे साथ बने रहिए हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।